नमस्कार प्यारे छात्रों, आज मैं अष्टम वर्ग के छात्रों को संस्कृत में षष्ठ पाठ श्लोक पंचकम कल मैंने पढ़ाया था। आज मैं प्रश्नोत्तर कार्य कराने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कीदृशः दुर्जनः परिहर्तव्यः, उत्तरम विद्यया मंडितः जनः परिहर्तव्यः। ख परे पदे कः दशति, पदे पदे दुर्जनः दशति। ग खलः किं पश्यति कथं च, खलः सरसत मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति। घ गजः कथं हन्ति, उत्तरम स्पृशन् नपि गजः हन्ति। अङ अंतिम श्लोकानुसारं खलस्य दुष्परिणामं लिखत। खलः करोति दुर्वृत्तं नूनं फलति साधुषु। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानान् पूरयत्, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हसन नपि नृपो हन्ति न दुर्जनः, मानयन् नपि सर्पो दशति कालेन दुर्जनः तु पदे पदे। ख खलः करोति दुर्वृत्तं नूनं फलति साधुषु। दशाननो हरत्सीतां बन्धनं स्यान् बहुदहि। प्रश्न संख्या 3, सम्यक कथने इति चिन्हम नियोजयत्, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए। मनिना भूषितः सर्पः भयंकरः भवति, सही। सर्पः पदे पदे दशति, गलत। खलः परच्छिद्राणि पश्यति, सही। स्पृशन् गजो न हन्ति, गलत। सीतां दशाननः अहरत्, सही। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखितानां वाक्यानां संस्कृते अनुवादं कुरुतः, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जनों को छोड़ देना चाहिए। विद्या अलंकृत सती दुर्जनः अपि परिहर्तव्यः। ख दुर्जन हमेशा दूसरों की बुराइयां देखते हैं, दुर्जना सदा परेशान परछिद्राणि पश्यन्ति। ग सर्प और सज्जन दोनों में सर्प श्रेष्ठ है, सर्प दुर्जनयोस्तु मध्ये सर्प श्रेष्ठ अस्ति। घ सांप तो समय पर डसता है, परंतु दुर्जन पट 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 डसता है। सर्पा तु काले दशति, परंतु दुर्जनः परे परे दशति। रावण ने सीता का हरण किया और बांधा गया समुद्र, रावण सीता महरत बंधनम स्यात् महोदरि। प्रश्न संख्या 5, संधि विच्छेदम कुरुत, किमसौ किमजोर असौ, जिघ्रन्नपि जिघ्रंजोर अपि, दुर्जनस्तु दुर्जनः जोर तु, अलंकृतोपि अलंकृतः जोर अपि। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखितानां शब्दानां विभक्तिं वचनं च लिखत, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। क सर्प प्रथमा एक वचनम, ख खलात पंचमी एक वचनम, गजौ प्रथमा द्विवचनम, नृपाय चतुर्थी एक वचनम, साधुषु सप्तमी बहुवचनम। निम्नलिखितानां शब्दानां समानार्थकान शब्दान लिखत, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। खल दुष्ट, सर्प व्याल, नृप सम्राट परिहर्तव्य त्यक्तव्य, गज मातंग हमति मारयति। प्यारे छात्रों, आज मेरे द्वारा अष्टम वर्ग के छात्रों को षष्ठ पाठ श्लोक पंचकम से सारा प्रश्नोत्तर कार्य करा दिया गया। फिर अगले क्लास में मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।